गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान इंग्लिश ग्रामर लेसन्स। इसके ऐड क्वेश्चन टैग ग्रामर के ये 13वें वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। इससे पहले हमने जो ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाए थे शायद वो आपको पसंद आए होंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर लेसन्स ऐड क्वेश्चन टैग। पहले इसके रूल्स देख लेंगे। रूल्स टू ऐड अ क्वेश्चन टैग, यानी ऐड अ क्वेश्चन टैग आपको टेल टैग लगाने के लिए कौन कौन से रूल्स आपको यूज़ करना है। अब जो दिया हुआ जुमला होता है, दिए हुए जुमले को हमको सवाल में बदलना होता है। यानी इसका पहला रूल क्या है, अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो दिया हुआ जो जुमला है वो सवाल में बदल जाता है। अगर दिया हुआ जुमला अफर्मेटिव हो, यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो, तब जुमले के आखिर में कॉमा लगाने के बाद इसको निगेटिव शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगर दिया हुआ जुमला निगेटिव सेंटेंस का हो तो जवाब में कॉमा के बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो जवाब में हेल्पिंग वर्ब डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे। क्या है, अगर जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो टेल टैग में क्या करेंगे, यानी ऐड क्वेश्चन टैग में जवाब में हेल्पिंग वर्ब में डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला सिंपल पास्ट टेंस का हो तो जवाब में हेल्पिंग वर्ब में निगेटिव शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज़ करेंगे, डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। हर जुमले के आखिर में चाहे वहाँ नाम इस्तेमाल हो या दूसरा कोई इसमें ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउन, आपको आखिर में पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ये रूल्स याद रखिए। अब देखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स कौन से हैं। कॉन्ट्रैक्शंस निगेटिव शॉर्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट ये देखिए, थोड़ा सा इसे तखफीफ कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ये कॉन्ट्रैक्शन में डोंट होता है। डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट, वाज नॉट, वॉजंट, वेर नॉट, वेरंट, हैव नॉट, हैवंट, हैज़ नॉट, हैजंट, हैड नॉट, हैडंट, विल नॉट, वोंट, शल नॉट, शॉन्ट, कैन नॉट, कांट, कुड नॉट, कुडंट, शुड नॉट, शुडंट, वुड नॉट, वुडंट। ये सब के सब हम अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा तो उसे जब ऐड क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो ये निगेटिव शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स है। इट इज़ अ फाइन डे, अब इसका जवाब क्या रहेगा, इट इज़ अ फाइन डे कॉमा इजंट इट, यानी हमने इज का इजंट बनाया और इट जैसा क्या वैसा लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। इट विल रिमेन स्पेशल फॉर मी, इसका आंसर क्या रहेगा, इट विल रिमेन स्पेशल फॉर मी इजंट इट। अरमान वॉज अ गुड बॉय, वॉजंट ही। अब देखिए यहाँ अरमान था तो अरमान एक लड़के का नाम है, इस वास्ते उसकी जगह हमने पर्सनल प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। समीर टेक्स ऑल द आलमंड्स, यानी समीर तमाम बादामें लेता है। समीर टेक्स ऑल द आलमंड्स कॉमा, अब यहाँ पर टेक्स है तो उसे इसकी मुनासिबत से डजंट इस्तेमाल करेंगे। डजंट और समीर की जगह ही यूज़ करेंगे। सीमा कुक्स फूड, कॉमा डजंट शी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे इन्फॉर्म ऑल द प्लेयर्स, उन्होंने तमाम प्लेयर्स को इन्फॉर्म किया, वो इन्फॉर्म करते हैं तो दे इन्फॉर्म ऑल द प्लेयर्स कॉमा डोंट दे। अब यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है मेन वर्ब में, इस वास्ते यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव शॉर्ट फॉर्म डू नॉट डोंट। सिंपल पास्ट टेंस, अब देखिए उसके ही जैसे यहाँ पर समीर टेक्स था तो यहाँ टुक कर दिया हमने, यानी इसका सिंपल पास्ट टेंस बन गया समीर टुक ऑल द आलमंड्स, कॉमा डिडंट ही, इस तरीके से यूज़ करेंगे। सीमा कुक्ड फूड, कॉमा डिडंट शी, अब सीमा की जगह शी का इस्तेमाल करेंगे। दे इन्फॉर्म्ड ऑल द प्लेयर्स फुल स्टॉप, दे इन्फॉर्म्ड ऑल द प्लेयर्स कॉमा डिडंट दे, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। आई कांट बियर दैट बर्डन, अब ये ऑलरेडी कांट यानी कैन नॉट इसका इस्तेमाल किया है तो आई कांट बियर दैट बर्डन कॉमा, और ये कांट का कैन यूज़ करेंगे यानी इसमें से नॉट निकाल देंगे, कैन आई। ही वॉज नॉट एंग्री फुल स्टॉप, ही वॉज नॉट एंग्री कॉमा वॉज ही, तो नॉट निकाल के वॉजंट बनता था, यहाँ पर हमने वॉज ही क्वेश्चन मार्क। दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग फुल स्टॉप, दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग कॉमा डू दे क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर भी डोंट में से डू नॉट में से नॉट निकाल दिया और डू का इस्तेमाल किया। सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, ये सेंटेंसेस का आपको आंसर खुद से देना है। करेज टेक्स स्ट्रेंज फॉर्म्स, शी लव्स बीइंग कॉल्ड माई, जरगाम वॉज फ्यूरियस, द किंग वॉज डिलाइटेड बाय तेनाली रामाज विट, ऑल ऑफ अस विल लीव द स्कूल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए